Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a new topic, that is action research, its definitions, meaning and characteristics. So let's start. Action research. Dekhiye, kriyatmak anusandhan. रिसर्च में अभी एक्शन रिसर्च पर आपसे कोई बात नहीं हुई थी. छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, प्रैक्टिकल है और बहुत पूछा भी जाता है. और जब मैं आपसे कर्ट लिविन डिस्कस कर रही थी, अगर आपको याद हो, तो मैंने बताया था कि कर्ट लिविन के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें एक्शन रिसर्च भी है. मतलब वो एक्शन रिसर्च को साइकोलॉजी में, एजुकेशन में लाने वाले, ये साइकोलॉजी में लाने वाले मनोवैज्ञानिक हैं. तो साइकोलॉजी में आया तो वहाँ से एजुकेशन में भी आ गया एक्शन रिसर्च. तो इसकी डेफिनेशंस जानते हैं कैसे बहुत एजुकेशनिस्ट ने इसको परिभाषित किया है. तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन एम कोरी, वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के सबसे पहले बात करने वाले लोगों में से स्टीफन एम कोरी थे. और उन्होंने डिफाइन किया इसको, इट इज़ द प्रोसेस बाई विच प्रैक्टिशनर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट एंड इवेलुएट देयर डिसीजंस एंड एक्शंस. मतलब इन्होंने कैसे डिफाइन किया इसको कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें प्रैक्टिशनर्स जो काम करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, वो प्रयास करते हैं. किसका प्रयास करते हैं? अध्ययन करने का. क्या अध्ययन करना है? अपनी समस्याओं का साइंटिफिक अध्ययन करना है, वैज्ञानिक अध्ययन करना है. क्यों करना है? ताकि हम अपने निर्णयों को, अपने कार्यों को गाइड कर सकें, करेक्ट कर सकें और इवेल्युएट कर सकें. मतलब कुछ उसमें दिक्कत हो तो उसको सुधार सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं. उसी तरह से जे डब्ल्यू बेस्ट, मतलब जॉन डब्ल्यू बेस्ट, जिसकी किताब शायद सब कोई पढ़ते हैं एजुकेशनल रिसर्च में, वो डिफाइन करते हैं कि एक्शन रिसर्च इज फोकस्ड ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन. यानी कि एक्शन रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें हमको तुरंत, हम उसका अनुप्रयोग पे हम फोकस करते हैं. मतलब तुरंत कोई समस्या आई, मतलब तात्कालिक समस्या है और उसका हमने एक्शन रिसर्च लगाया और उसको तुरंत अप्लाई करते हैं, नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी. और इसमें हम किसी सिद्धांत के विकास के लिए काम नहीं करते. इट हैज प्लेस्ड इट्स एम्फेसिस ऑन ए रियल प्रॉब्लम. और इसमें हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, रियल प्रॉब्लम होती है. अभी आप इसके बारे में आगे जानेंगे तो जानेंगे कि क्लासरूम में कोई दिक्कत है, उसके लिए टीचर ने एक्शन रिसर्च की और उसको इमीडिएटली अपने क्लासरूम में अप्लाई कर दिया, हेयर एंड नाउ, इन ए लोकल सेटिंग. और इसमें लोकल, चूंकि आपकी क्लासरूम की सेटिंग है तो लोकल सेटिंग है. केमिस एंड एम मैक टेगर्ट इसको डिफाइन करते हैं कि एक्शन रिसर्च इज ए फॉर्म ऑफ कलेक्टिव रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी. मतलब हो सकता है कि इंडिविजुअल भी एक्शन रिसर्च होती है, कलेक्टिव भी हो सकती है. हो सकता है कि किसी क्लास के सभी टीचर्स मिलकर कर रहे हो. तो ये कलेक्टिव रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी है, अंडरटेकन बाय पार्टिसिपेंट्स इन सोशल सिचुएशंस, यानी कि हम सामाजिक परिस्थितियों में करते हैं, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रैशनैलिटी एंड जस्टिस ऑफ देयर ओन सोशल और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस. जिसमें हम सुधारना चाहते हैं, हम तर्क देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं अपनी सामाजिक और शैक्षिक प्रक्रियाओं का, अभ्यासों का, एज वेल एज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रैक्टिसेस एंड द सिचुएशंस इन विच दीज प्रैक्टिसेस आर कैरीड आउट. उसी तरह से रैपो पोर्ट इसको डिफाइन करते हैं कि एक्शन रिसर्च एम्स टू कंट्रीब्यूट बोथ टू द प्रैक्टिस कंसर्न्स ऑफ पीपल इन एन इमीडिएट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड टू द गोल्स ऑफ सोशल साइंस बाय कोलैबोरेशन विद इन ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल इथिकल फ्रेमवर्क. मतलब क्या बातें समझ में आ रही हैं आपको, कि ये इंडिविजुअल भी है, ये कोलैबोरेटिव भी है, ये इमीडिएट एप्लीकेशन को सीक करती है, ये लोकल सेटिंग में है, ये इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रही है, टीचर इसको रियल प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर रहा है, अनुप्रयोग कर रहा है, अपना रहा है, ये सारी बातें. एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस वेयर सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन ऑफ थियरी, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन इज इन्वॉल्व. यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसमें हम एक सिस्टमैटिक, हमने एकीकरण किया है किसका, सिद्धांत, अनुप्रयोग और मूल्यांकन, तीनों इसमें इन्वॉल्व हैं. उसी तरह से अगर आप इसको, इसका अर्थ देखना चाहें तो अ रिसर्च मेथड एक रिसर्च प्रक्रिया है दैट इज स्पेसिफिक टू ए प्रॉब्लम, जो कि समस्या के लिए विशिष्ट है एंड इज मेंट टू हैंडल. और क्यों करनी जा रही है? टू हैंडल ए स्पेसिफिक क्लासरूम सिचुएशन. हमारी एक विशिष्ट क्लास की दशा है, उसके लिए हमने किया है. अ मेथड दैट डिमांड्स इमीडिएट एक्शन. और ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम तुरंत एक्शन लेते हैं ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, टीचर के पार्ट पर. इट इज पॉपुलरली नोन एज एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च इज ए प्रोसेस स्पेशली अडॉप्टेड फॉर इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन. क्यों हम कर ही रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई सुधार करना है. इट इज अ डिलीबरेट, हमने जानबूझ कर की है. सोल्यूशन ओरिएंटेड, हम इससे कोई अर्थ निकालना चाहते हैं, सोल्यूशन निकालना चाहते हैं. दैट इज डन इन ग्रुप और पर्सनली. यह तो अकेले की जाएगी या समूह में की जाएगी.
The terms action and research highlight the essential features of this method. इसमें जो दोनों शब्द हैं action और research, दोनों के अपने meaning हैं. Action मतलब हमको काम करना है, हमको उस पर, ये नहीं कि कोई theoretical काम नहीं, हम practical किसी problem के लिए हम solution ढूंढ रहे हैं. Trying out new ideas and practice for improving the curriculum, teaching and learning process. हमको कोई पाठ्यक्रम में सुधार चाहिए, शिक्षण में सुधार चाहिए, अधिगम प्रक्रिया में सुधार चाहिए, उसके लिए हम एक्शन ले रहे हैं. और रिसर्च का तो मतलब ही है कि हम सिस्टमेटिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. एक्शन रिसर्च इज पार्टिसिपेंट ड्रिवन, यानी कि जो पार्टिसिपेंट है उसके हिसाब से ये चल रही है. कोलेबोरेटिव, मिलजुल के की जाती है. रिफ्लेक्टिव, हम सोचेंगे, हम उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे. द बेसिस ऑफ एक्शन रिसर्च इज इन्वॉल्वमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, यानी दो इसमें खास बातें हैं. इन्वॉल्व होगा टीचर इसमें, टीचर से डिटैच नहीं है ये प्रॉब्लम, और हम किसी ना किसी प्रॉब्लम के इम्प्रूवमेंट के लिए, सोल्यूशन के लिए इसको कर रहे हैं. ट्रूली स्पीकिंग एक्शन रिसर्च मीन्स एक्शन बोथ इन द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन एंड ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन दैट सिस्टम. The problems in action research primarily relate to time, situation, place, method of teaching, etc. In addition to this, we should also know that the credit for introducing the term action research goes to Kurt Levin. हमने आपको बता ही दिया, ठीक है? तो मतलब action research क्या है? Action research में का मतलब है कि एक्शन रिसर्च का मतलब है कि हम एक्शन लेंगे, रिसर्च सिस्टमेटिकली चलेंगे, किसी लोकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए करेंगे और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं. बोर्जिया एंड शुलर ने कहा कि 5 C's के रोल हैं एक्शन रिसर्च में. अगर इसको इसकी विशेषता बताना चाहें तो 5 C's की विशेषता है कौन कौन सी? कमिटमेंट, कोलेबोरेशन, कंसर्न, कंसिडरेशन और चेंज. तो कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च एंड इट फोकसेस ऑन टाइम. The participants need time to get to know and trust each other and to observe, practice, try new approaches and document, reflect and interpret the results. So unless one is committed, he, she cannot conduct good research. यानी कि हम commitment, हम मतलब ऐसे ही नहीं action research कर रहे हैं, मतलब हमारे genuine problem है, हम वाकई उसका solution चाहते हैं, तो हम committed तो रहेंगे ही. फिर collaboration, each person contributes. कंसर्न, हमको एक दूसरे के लिए कंसर्न है, हम इथिकल भी होंगे, हम पार्टिसिपेंट के मतलब जो व्यू पॉइंट है उसके लिए कंसर्न होगा हमारे पास. कंसिडरेशन इज अ चैलेंजिंग असेसमेंट ऑफ वन्स बिहेवियर. इट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन एंड केयर एज वन सीक्स पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप दैट जनरेट्स मीनिंग विद इन्वेस्टिगेशन. यानी कि हम कंसिडरेट होंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए या जो जिस पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं. और चेंज, चेंज इज ऑन गोइंग एंड एट टाइम्स डिफिकल्ट बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू रिमेन एन इफेक्टिव टीचर. क्योंकि हमको, हम क्यों कर ही रहे हैं एक्शन रिसर्च? मान लीजिए हमारी जो मेथोडोलॉजी है, हम जैसे पढ़ा रहे हैं वो फायदेमंद नहीं है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो हमको चेंज करना होगा अपने मेथड को. तो हम चेंज करना अपने आप को आसान कभी भी नहीं होता है. तो ये C5C, कमिटमेंट, कोलेबोरेशन, कंसर्न, कंसिडरेशन और चेंज एक्शन रिसर्च की विशेषताएं हैं. उसके अलावा भी कुछ विशेषताएं, देखिए इसको मैंने ब्लैक कर दिया और वो थोड़े से लाइट रह गए हैं जल्दी में. चलिए, तो एक्शन रिसर्च इनेबल्स द टीचर्स टू हैव अ क्लियर विजन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन विच इन टर्न हेल्प्स आइडेंटिफाई वेज एंड मीन्स टू हैंडल द प्रॉब्लम, है ना? यानी कि एक शिक्षक को ये इस योग्य बनाता है कि हम प्रॉब्लम को क्लियरली देख सकें. इन एक्शन रिसर्च वन नीड्स टू पॉन्डर ऑन द इश्यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. कोई भी प्रॉब्लम है उसमें हम विभिन्न तरीके से सोच सकते हैं, तो रिफ्लेक्शन इसका एक खास गुण है. और क्या खास गुण है? इंप्रूवमेंट हम चाहते हैं टीचिंग लर्निंग में. और क्या खास गुण है? फाइंडिंग्स ऑफ एक्शन रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज. देखिए, जब भी प्रॉब्लम लोकल होगी उसकी फाइंडिंग कभी भी जनरलाइज नहीं होगी. हमें रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी है कि हमने अपनी क्लासरूम की किसी समस्या के समाधान के लिए एक्शन रिसर्च कर रहे हैं और दुनिया भर की क्लासरूम पर अप्लाई नहीं होगी. इट कैन नॉट बी apply only to your problem, only to your specific problem. Then it helps a teacher to engage in intellectual pursuits and thus become a continuous learner. हम पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, तो हम कंटिन्यूस लर्नर हैं. और ये कंटेक्चुअल होती है, बता दिया ना कि सर्टेन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में की जाती है. अच्छा, ये इतना ही था. तो मुझे लगा शायद एक स्लाइड और है. तो एक्शन रिसर्च, हम एक्शन लेंगे लोकल प्रॉब्लम के लिए करेंगे. टीचर करता है अपने करिकुलम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या कोई स्टूडेंट की प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कि बच्चा क्यों एब्सेंट हो रहा है, बच्चे को कोई कुछ दिक्कत है, उसको समझ में नहीं आ रही है, वो एक ही गलती बार बार कर रहा है, उसको कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है, कुछ इस तरीके का, है ना? तो जो टीचर है उसमें कंसर्न है, उसमें इन्वॉल्व है और अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शन रिसर्च करता है. अभी इसमें आपसे डिस्कस करना है कि ये फंडामेंटल रिसर्च से कैसे अलग है, इसकी नीड क्या है एजुकेशन में, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर एक्शन रिसर्च की जा सकती है. तो फिलहाल अभी इतना ही. सो आई हैव कम्प्लीटेड द वेरी बेसिक एंड यू कैन से कंसेप्चुअल लेक्चर ओवर एक्शन रिसर्च. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.